नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा इसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। आप मिला लीजिए कि आपके 40 में कितने सही हो रहे हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थे। तो अगर पूछा जाएगा किस सन में किए थे तो 1206 ईस्वी में किए थे। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाए थे। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर लाहौर थी। और ये पूछा जाता है कि किस खेल से जो है पोलो खेल रहे थे उस समय इनके घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया। इनसे संबंधित है कुतुब मीनार और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा था मृच्छ कटिकम किसकी कृति है। तो ये शूद्रक की। बहुत ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछ रहे हैं, कम से 4 से 5 बार इसी एनटीपीसी जो एग्जाम हो रहे हैं 28 दिसंबर से उसी में पूछे जा चुके हैं। तो मृच्छ कटिकम शूद्रक के रचना है। अगला देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी ये आपका 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए थे। और ये अभियान भी 4 से 5 बार लगभग पूछा जा चुका है। तो जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे सारे जो है आप प्रीवियस ईयर जो अभी पूछा गया है जितने भी शिफ्ट में याद करके जाइए। देखिएगा 12 से 13 क्वेश्चन वहाँ से फंस जा रहे हैं और 8 से 9 क्वेश्चन जो मैं अभी फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ से फंस जा रहे हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिल जा रहे हैं 40 में। सोचिए कितना ज़्यादा नंबर हो रहा है। तो अगर आप इसको रिविजन करके जाएंगे तो 40 में आपका 37 या 38 नंबर ऐसे ही मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस समय इसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। पूछा जाता है साक्षरता के दृष्टि से सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है। तो केरल राज्य में है। याद रखिएगा केरल राज्य में साक्षरता ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से आपका पूछा जाता है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो सिक्किम बताएंगे ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा सड़क वाला राज्य कौन सा है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होगा, हमको लग रहा है कि पक्की सड़क का बता रहे होंगे। पक्की सड़क सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और कच्ची सड़क की बात करते हैं जैसे ईंट पत्थर के द्वारा बनाई गई या कच्ची मिट्टी के द्वारा। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कच्ची मिट्टी का सड़क है और सबसे ज़्यादा पक्की सड़क महाराष्ट्र में बनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून को प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को जो है रखा और तभी से जो है यहाँ पर जो है 2015 से यह मनाया जाने लगा। याद रखिएगा 21 जून को। एक पूछा जाता है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 11 जो है जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आया था, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 में इसका जो है स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बता दिए। ऐसे पूछा जाता है कि आरबीआई के इस समय के जो है गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। पूछा जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्रता के पहले तो ओसवान बार्म थे और पूछा जाएगा स्वतंत्रता के बाद तो सीडी देशमुख। याद रखिएगा सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो तारापुर में ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से इसको स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो है भारत में संयुक्त ये आपके परमाणु संयंत्र हैं, तो कूडनकुलम हो गया और कल्पक्कम आपका तिहाव का तमिलनाडु में और कैगा आपका हो जाएगा कर्नाटका में और ककरा पार हो जाएगा आपका गुजरात में। रावत भाटा कहाँ पर, राजस्थान में। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, तारापुर तो महाराष्ट्र में है ही है। अगला देखते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑपरेशन भारत कब शामिल हुआ था बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जून 2016 को ये शामिल हुआ था। पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में शंघाई कॉरपोरेशन इसको कहते हैं CSO की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी
राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 हिंदी राजभाषा से है, इसका विकास से संबंधित है। और पूछा जाता है कि जो राजभाषा है किस अनुसूची में दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था अभिनंदन वर्धमान को, इन्होंने क्या हुआ था? जो आपका 14 सितंबर को बालाकोट में जो है ये ऑपरेशन हुआ था, उसी में ये पाकिस्तान में चले गए थे जहाज लेकर, तो ये वहीं पर हो गया था, तो यहीं पे गिर गए थे, तो वहीं पे पाकिस्तान से बाद में इनको मंगाया गया, तो इसी को वीर चक्र अभिनंदन वर्धमान को दिया गया। अगला देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी को 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सोचिए कि जो है अर्जुन पुरस्कार की जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1965 से अर्जुन पुरस्कार की स्थापना मानी जाती है। और इसको दिया जाता है कि जो एक साल में स्वर्ण जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं उसको खिलाड़ी को दिया जाता है। सोचिए 2021 चल रहा है, 2018 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और तमिलनाडु को श्रीलंका से आने वाली जल संधि या करने वाली जल संधि कौन है? तो पाक जल संधि है, यहाँ पे आपका जो है भारत है, यहाँ पे श्रीलंका, ये जो जो संधि मिलती है इसी को कहते हैं पाक जल संधि, ठीक याद रखिएगा। और कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ऐसे ही देखिए कितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो 3-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस चैनल पर ऐसे ही फैक्ट, और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये बिली होते हैं, जैसे आपका ये है, तो यहाँ पर छोटी 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 सी संरचना है, तो इसमें क्या होता है? भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण किसके कर लिए होता है? तो ये बिलाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर जो है नटाल प्रांत है, जो है कहाँ पर, ये जो है जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाई जाती है। ये बहुत ही फेमस वहाँ की जनजातियाँ हैं। और यहाँ पर बात करती है मायोरी कहाँ पर पाई जाती है, तो मायोरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये भी बहुत फेमस जनजाति है। गिम्मी और ये सब कहाँ जनजाति पाई जाती है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इसको जनजातियों का देश घर भी कहा जाता है। दक्षिण जो ये अफ्रीका है इसको जो है जनजातियों का देश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके इस समय जो है अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू, याद रखिएगा HL दत्तू इस समय इसके प्रमुख हैं। अगला देखते हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार हो जाएंगी। अब पूछा जाता है कि ये देखिए महिला थी, महिला अध्यक्ष लोकसभा पूछा है, पूछेगा कि जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर आप बताएंगे, जीवी मावलंकर। और पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला किस लोकसभा के इसमें है? तो 17वीं लोकसभा के ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की खोज किसने की? तो ब्रांड हैंगिंग ने इसकी खोज की थी। याद रखिए, देखिए फास्फोरस की भी खोज पूछा जा रहा है। और अगला बताते हैं, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। इन्हीं ने पहली बार जो है सुपर कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर उसका निर्माण किया था। चिप का निर्माण भी IBM ही कंपनी ने किया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण NTPC के क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।